आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा देखें और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 करने वाले हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 3/5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 48/7 फाइंड द अदर। हमें अदर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए कितना इजी है, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पर और उसमें से वन नंबर गिवन है, सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आइए इसको करना शुरू करते हैं। और इसको करने के लिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला आपका क्वेश्चन नंबर 35 नज़र ना आए, ताकि इसमें पूरा ध्यान जाए। तो क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, लेट द अदर नंबर अदर फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर लेट द अदर फ्रैक्शन, लेट द अदर फ्रैक्शन इक्वल टू, यहाँ पर x बाई वाई हम लिख लेते हैं, या x भी आप खाली ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें से फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, सॉरी ये अदर, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है वो भी हम लिख लेते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन, इसमें से फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका 48/7, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पर, इनका प्रोडक्ट है, देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट 9 3/5, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं, बहुत ही इजी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर हमें हमारा जो फर्स्ट ये अदर फ्रैक्शन था x बाई वाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड फ्रैक्शन से 48/7, ठीक है बच्चों। यहाँ पर खाली आप x भी ले सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ x y लेने की जरूरत नहीं, खाली x भी ले सकते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 9 3/5, ठीक है, या और करके इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 5 9 = 45 और 3 = 48, तो 48/5 ये आता है, ठीक है बच्चों। आइए हमें x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो और 7 क्या है, डिवाइड की फॉर्म में है। तो हम x बाई वाई यहीं पे रखेंगे और इधर 48/5 यू का यूँ रहेगा ये वाला। अब इस नंबर को जब लेके आते हैं तो 7 ऊपर आ जाएगा और 48 नीचे आ जाएगा, यानी 48 तो क्या है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में हो गया, और ये जो 7 है ना ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया। तो 48 से 48 को हम डिवाइड कर देते हैं, और इसमें से बाकी जो नंबर बचा, देखिए 7 बचा और नीचे 7 न्यूमेरेटर है और 5 क्या है डिनोमिनेटर, तो 7/5, तो हमारा जो अदर फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 7/5, ठीक है बच्चों। आइए हम यहाँ पर एक बार फिर लिख लेते हैं अदर फ्रैक्शन, अदर फ्रैक्शन, अदर फ्रैक्शन है 7/5, ठीक है बच्चों। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।